तो जी हमारे स्टूडियो किचन में हमारे पास फूड प्रोसेसर था नहीं। अब मैं मम्मी वाला पुराना फूड प्रोसेसर उठा लाया हूँ और हम बनाने जा रहे हैं एक पिज़्ज़ा जिसके अंदर मैदे वैदे का बेस नहीं है। हम बनाएंगे चीज़ा। बनाते हैं इंट्रो के बाद। श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम फूड प्रोसेसर को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये उतनी बढ़िया ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी है हमारे खाने की, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम बना रहे हैं चिकन पिज्ज़ा जिसका बेस ही चिकन है। हम फ्राइड चिकन बनाएंगे बेस की तरह और उसके बाद उसका पिज्ज़ा बनाएंगे। तो फ्राइड चिकन के लिए ये चिकन ब्रेस्ट मैंने क्यूब्स में काट लिया, फूड प्रोसेसर में डाल देते हैं। अब चिकन के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है और जिंजर पाउडर है वो डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहा हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट गोज इनटू द फूड प्रोसेसर। ये मैंने दो चिकन ब्रेस्ट ले रखे हैं, उसके लिए एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और आधा अनियन। अनियन ज़्यादा नहीं डालना, मैंने एक छोटा अनियन लिया था उसको आधा कर लिया, स्लाइस कर लिया। अनियन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो अभी सॉल्ट जाएगा, फिर वो पानी छोड़ने लग जाएगा, हमारा बेस ढंग से बनेगा नहीं। दो हरी मिर्चें, थोड़ा ओरिगैनो, सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं ऐसे ही रफली टोर करके। अब सिंस आई डोंट हैव पाउडर्ड अनियन एंड गार्लिक तो मैंने डाला है फ्रेश गार्लिक, मतलब गार्लिक जिंजर का पेस्ट और अनियन फ्रेश। अब अनियन फ्रेश डालने का एक ड्रॉबैक है कि अनियन पानी छोड़ सकता है और हमारा जो बेस है वो सेट नहीं होगा। तो बेस सेट करने के लिए हम उसमें डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स ताकि अनियन जो पानी छोड़े वो खींचता रहे। अब इसको करेंगे ब्लेंड, अच्छी तरह कीमा सा कर लेना सारी चीज का। अब ये ब्लेंड कर लिया, जिस साइज का आपने पिज्जा बनाना है उस साइज की प्लेट ले लें और उस पर एक क्लिंग फिल्म, एक क्लीन शीट सी बिछा लें और उसके बाद अपना ये जो आपने ब्लेंड करा है, कीमा बनाया है, वो डालिए और शेप कर दीजिए एक गोल में। अब ये हमारा बेस ऑलमोस्ट तैयार है, ये जाएगा फ्रिज में फॉर अराउंड 2 to 3 hours। उसके बाद इसको निकालेंगे, कोट करेंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद पिज्जा डन। तो जी रुकावट के लिए खेद है, आज जो इंट्रो से पहले आपने नहीं करा है, क्या सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन सेंटर में आती रहे। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। तो जी ये हमारा चिकन का बेस रेडी है, इसको आप कोट करेंगे पहले फ्लावर से, फिर एग से, फिर ब्रेड क्रम से, उसके बाद इसको फिर रखेंगे फ्रिज में लगभग आप मान लीजिए 15 से 20 मिनट, तब तक ये फ्रीज हो जाएगा, कोटिंग जम जाएगी और उसके बाद फ्राई करेंगे। पिज़्ज़ा कोट करने के बाद हमने फ्रीज़र में रख दिया था, अब इसको आधा घंटा हो गया, अब इसको करेंगे डीप फ्राइड। और फ्राई करने के लिए एक सूचना, आपने बहुत सारा तेल लेना है, तेल ज़्यादा और टेम्परेचर हाई, क्योंकि ये बहुत ठंडा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। जैसे ही अगर हमारा तेल थोड़ा सा कम गर्म हुआ, तेल का टेम्परेचर अचानक से गिरेगा और इसके अंदर तेल भर जाएगा, आप नहीं चाहते वो हो, इसीलिए हद गर्म रखना टेम्परेचर।
अब आपने देखा है कि ये तेल हमने बहुत ज़्यादा लिया है ताकि हमारा पिज़्ज़ा का जो बेस है वो सबमर्ज हो जाए और दोनों तरफ से इवनली पके। अगर हम तेल कम लेते वो एक साइड से पकता, फिर हम पलटने लगते और वो टूट जाता। इसीलिए तेल ज़्यादा लेना है और हद गर्म टेम्परेचर पे कुक करना है। अभी हमारा पिज़्ज़ा का बेस है, एक्चुअली चीज़ा का बेस डन है, चिकन और पिज़्ज़ा का कॉम्बिनेशन डन है। तो इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद हम हमारा चीज़ डालेंगे। तो जी चिकन वाला पिज़्ज़ा चीज़ा हमारा रेडी है। रुकावट के लिए खेद है क्योंकि पड़ोस में हो रहा है कुआ पूजन और उनके बैंड बाजे बज रहे हैं, उनको करने देते हैं सेलिब्रेट। हम बनाते हैं, हम अपनी रेसिपी इसकी कटिंग करते हैं और प्लेटिंग करते हैं, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब ये तो पक्का ही अमेजिंग है। रेसिपी आपके पास है, रेसिपी ट्राई कीजिए, फोटो डालिए फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।